गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर। मैसूर के आउटर रिंग रोड में हम लोग अभी हैं। 3 घंटे लगे इधर पहुंचने में। बैंगलोर ट्रैफिक ने ही बैंड बजा दिया था 1 घंटे का, फिर हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, इधर पहुंचे। अभी थोड़ा देखते हैं कहां पे खाना खाना है, और फिर अभी 120-130 किलोमीटर अभी तक बाकी, तो बने रहिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं SMP होटल और मैसूर गेट होटल, वो मतलब उसके बाजू में ही है, बट दैट इज़ बिगर वन। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी 9:30 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे। अराउंड 120 किलोमीटर्स अभी बाकी है, जो कि बांदीपुर फॉरेस्ट होते हुए हम चलेंगे। काफ़ी मतलब ठीक ठाक वेदर है, सुबह थोड़ा सा ठंड ऐसा लग रहा था, अभी ठीक लग रहा है। और अभी गॉगल्स डालने का है और बस गाड़ी भगाने का है। तो अभी बांदीपुर जो नेशनल पार्क आएगा उसका व्यू एंजॉय कीजिए। अभी यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो ऊटी है, और राइट में हमें चलना है क्योंकि काजीकोडे रोड है बेसिकली, बट उसी रोड से बांदीपुर फॉरेस्ट होते हुए हम लोग सुल्तान बैथरी पहुंच जाएंगे, जो कि वायनाड में ही है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुल्तान बैथरी में हम लोगों का होटल है, तो बने जगह का नाम है गुंडुलपे। कर्नाटका से केरला एंट्री कर रहे हैं, केरला बॉर्डर। यहाँ से बांदीपुर फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। मैं पहले सोच रहा था ये पूरा खाली खाली सा रहेगा, कोई व्हीकल नहीं रहेगा ऐसा, बट एक्चुअली में काफी व्हीकल है, ट्रक्स फिर बाइक काफी सारे हैं। सेफली उस तरफ पहुंच जाए, काफी डेंस फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट के एंट्री में ही देखने को मिला बंदर। हाँ, बंदर से शुरुआत हुआ, देखते हैं अगर कुछ तक देखने को मिल जाता है तो। एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट, लेकिन निकलना चाहिए कि ये बच्चा है तो इट्स नॉट सेफ। अभी हम लोग कोर एरिया है उसके अंदर जा रहे हैं।
यहाँ पर गोराना हम लोग कुछ नहीं बोला इसलिए हम लोग समझिए स्टेट्स है वहाँ पे हर एक बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्राइस में वेरिएशन है राइट तो उसके लिए ये चेक करते हैं वो लोग किसी को भी चेक करते हैं रैंडमली और टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो फाइनली हम लोग सुल्तान बैतरी पहुंच चुके हैं 6 घंटे का एक मज़ेदार सफ़र के बाद। तो फाइनली हम लोग रिसॉर्ट में पहुंच ही चुके हैं। दिस इज रिलैक्सिंग। 5-6 घंटे राइड के बाद ऐसे वाले पूल्स की बहुत जरूरत है भाई। हो गया पूरा पूल में नहाना। अभी हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे फिर चलेंगे इडक्कल केव्स के लिए। तो देखते हैं इट्स अराउंड 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ओह आई फॉरगॉट समथिंग ड्रायर के बारे में पूछना था हेयर ड्रायर। आज का लंच हम लोग सुल्तान बैथरी के पास में ही जुबली होटल में करेंगे। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और अगर आपको जेन्युइन केरला कुजीन ट्राई करना है This is the right place. विमल ज्योति हॉस्टल के पास ही है जैन टेंपल। अभी हम लोग आए हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द जैन टेंपल द फेमस जैन टेंपल ऑफ सुल्तान बैतरी। अभी इसके पीछे एक स्टोरी भी है तो एक्चुअल जो वर्ड है वो है सुल्तान बैतरी उसका एब्रीवेट करके हो गया बैटरी। तो बैटरी क्यों बोलते हैं चलते चलते बात करते हैं। हाँ तो जब एक वॉर फ्रंट में टीपू सुल्तान लड़ रहे थे तब जो फ्रंट वॉर फ्रंट रहता है तो उसको रीसप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो वन ऑफ द बैटरीज वॉज उसको बैटरी बोला जाता है और वन ऑफ द बैटरीज वॉज दिस जैन टेम्पल। तो इस जैन टेम्पल में सारा जो असला गोली बारूद सब रखा गया खाना इधर और वॉर फ्रंट में वो जाता था वहाँ से इस जगह ये जगह पूरा फेमस हो गया एंड दैट बिकम सुल्तान्स बैटरी और
सुल्तान्स बैथर वायनाड। तो अजम्पशन फोरेन चर्च में हम लोग हैं, जो कि सुल्तान बैथरी के एकदम बीचों बीच है। एकदम वाइट कलर का मार्वेलस डिजाइन वाला चर्च। चर्च दिखने में बहुत ही सुंदर है, वाइट कलर का। और इधर लेफ्ट साइड में पार्किंग था, हम लोगों ने देखा ही नहीं। मैंने किधर और पार्क कर दिया है। ठीक है, लेट्स होप कि पुलिस उठा के लड़ना ले जाए। शुभ शुभ बोलो। लंच वाज सो गुड कि हम लोग डिनर के लिए भी जुबिली होटल में आप पहुंच चुके हैं। आ चुका है मायनीज, बट मायनीज कैसे खाएंगे? उसके लिए ऐसे 7 टाइप्स के कबाब हैं, और ये है कुबुस, काइंड ऑफ पराठा टाइप का है। उसमें मायनीज और ये सारी कबाब्स जो है उसको ऐड करके खाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर डे 1। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड नाइट।